नमस्कार, आज मैं चना की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए चना को लेकर के पहले इसे हम 8 घंटा पानी में भिगो दिए थे, या आप रात भर पानी में भिगो करके भी रख सकते हैं। ये पानी में भिगोया हुआ चना है। अब इसे हम पानी से छान लेंगे और छानने के बाद इसे हम दरदरा पीस लेंगे और थोड़ा सा चना को इसी तरह से साबुत ही छोड़ देंगे। चना को हम इसमें पीस रहे हैं, आप चाहे तो मिक्सी के जार में भी डाल करके पीस सकते हैं। इस तरह से चना को पीस करके तैयार कर लिए हैं और कुछ चना को इस तरह साबुत ही छोड़ दिए हैं। इधर गैस ऑन करके कुकर को चढ़ा दिए हैं और कुकर में तेल को डाल दिए हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा है, जीरा को डाल देते हैं। जीरा के बाद इसमें हम 1 तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 3-4 लौंग को डाल दिए हैं। अब इसमें हम 1 मीडियम साइज का प्याज को लेकर के इस तरह से हम पतला पतला पीस में काट लिए हैं, उसे डाल देते हैं। और गैस का फ्लेम को लो करके प्याज को अच्छी तरह से भून लेते हैं। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। प्याज भुना गया है, अब इसमें हम मसाला को डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और इसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब इसमें हम चना को डाल देते हैं। एक बार इस तरह से चना जरूर बनाइए, खाने में टेस्टी लगेगा। और टेस्टी लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और इसे भी अच्छी तरह से मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक, नमक को भी मिला लेते हैं। यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब इसमें हम पानी को डाल देते हैं। पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन को लगा देते हैं और 3-4 सीटी आने तक इसे हम पका लेते हैं, जिससे कि चना अच्छी तरह से पक जाए। 3-4 सीटी आने के बाद गैस को ऑफ कर दिए हैं और कुकर को इसी तरह से ठंडा होने देना है। कुकर ठंडा हो गया है। चना की सब्जी बनकर तैयार है। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।